नमस्कार दोस्तों, हम आपके सम्मुख हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव में अगर आपने कोरोना से जुड़े हुए प्रोटोकॉल का अगर किसी भी तरह से उल्लंघन किया तो आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है और आपके जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो पार्टी का हो, निर्दलीय हो या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का हो, उसकी भी संख्या तय कर दी गई है। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। मार्च अप्रैल में देश के 5 राज्यों में हुए चुनावों से सबक लेते हुए हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्त फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में संभावित पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या तय कर दी गई है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए 5 होगी। प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में आयोग ने दलों की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर आपने कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया तो आपके ऊपर प्रतिबंध भी लग सकता है, आप चुनावी सभाएं नहीं कर पाएंगे। राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों के दौरान नेताओं और दलों ने भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिससे उन्होंने अपना और लोगों का जीवन खतरे में डाला। हरियाणा में ऐसे होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में ऐसा न हो, इसके लिए लेकर ही आयोग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी दलों से आह्वान किया है कि वे चुनाव के दौरान पथ प्रदर्शक बनकर नियमों का पालन करें ताकि अन्य लोग भी ऐसा करें। प्रचार प्रसार और रैली सभाओं के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगी बहुत जरूरी। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड 19 महामारी को रोकने से और उसकी फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग आदि अन्य उपायों का पालन करनी होगी। सार्वजनिक संपर्क के समय इन निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट आदेशों और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपायुक्त और जिला चुनाव आयोग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान शुरू होने से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत करना होगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आपको कोई भी रैली करनी है, कोई भी स्टार प्रचारक उतारना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हो सके अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।